एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है नमस्ते फ्रॉम जापान। तो आज का ब्लॉग होने वाला है फिर से बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ओदाइबा। यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे शॉपिंग के लिए भी काफ़ी शॉप्स हैं, मॉल हैं और बीच एरिया भी है वहाँ पे, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मिनिएचर भी है। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे साथ। आज का वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे, और अब धीरे धीरे समर खत्म हो रहा है, विंटर स्टार्ट हो रहा है। तो बीच साइड पे इस बार हम बिल्कुल भी नहीं जा पाए समर टाइम पे, क्योंकि केसेस यहाँ पे बढ़ रहे थे। बट अभी केसेस यहाँ पे थोड़े से ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, रुके हुए एक तरीके से। तो हमने सोचा कि चलो आज थोड़ा घूम के आते हैं। और ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है मेरे सेकेंड बेबी के आने के बाद, तो चलिए देखते हैं कि आज का दिन हम कैसे स्पेंड करते हैं, और आपको भी मैं साथ में घुमाऊंगी। लेफ्ट साइड में आपको एक ब्रिज दिख रहा है, वो ओदाइबा ब्रिज है, और ये बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे नाइट टाइम पे इसमें इल्यूमिनेशन होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लाइट्स ऑन हो जाती हैं इस पर। और इसे रेनबो ब्रिज भी कहा जाता है क्योंकि ये फुल रेनबो कलर से कवर रहता है ब्रिज, और इसलिए भी ये टूरिस्ट प्लेस है। और आप देख रहे हैं कि जगह कितनी सुंदर लग रही है, और यहाँ से फेरीज भी चलती हैं जो कि इसी रेनबो ब्रिज के नीचे से गुजरती है और असाकुसा जाती है। असाकुसा वही जगह है जहाँ पे मैं आपको कुछ दिन पहले लेके गई थी जापनीज श्राइन दिखाने के लिए। ओदाइबा पहुँच के हम सबसे पहले आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, और यहाँ पे इतने सारे फ्लेवर्स थे कि समझ में नहीं आ रहा था कौन सा फ्लेवर ले खाने के लिए। तो मैंने लिया था चोको कुकीज़ और परी ने लिया था चॉकलेट।
हम आ गए हैं ओदाइबा मॉल के बीच साइड पे। तो पहले यहाँ पे पूरा ये ओपन एरिया था, यहाँ पे सैंड था, बच्चे खेलते थे, बट मैं खुद काफी टाइम के बाद आई हूँ यहाँ पे, तो इन लोग ने ये पूरा कवर कर दिया है। और पहले मुझे लग रहा था कि शायद अभी बारिश हुई है इसलिए, बट ये उन लोग ने टेम्परेरी बेसिस के नहीं परमानेंटली बेसिस पे क्लोज कर दिया है। तो ठीक है, फिर भी लोग यहाँ बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, शाम के टाइम पे कॉफ़ी स्नैक्स ला के बैठते हैं और बच्चे आके बैठते हैं यहाँ पे आउटिंग के लिए। यहाँ पे है फेरी जो कि अब जाएगी असाकुसा और ये टोटल 7 ब्रिज के नीचे से गुजरती है इंक्लूडिंग रेनबो ब्रिज, और इसलिए भी ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मॉल के एक साइड में पानी के बीच में ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मिनिएचर बना हुआ है और ये यहाँ पे 1998 में प्लेस किया गया था। इसकी हाइट 12.25 मीटर है और इसके होने की वजह से भी ओदाइबा एक टूरिस्ट प्लेस है। जो भी टोक्यो घूमने आते हैं वो यहाँ पे घूमने ज़रूर आते हैं, वो ओदाइबा ज़रूर विज़िट करते हैं। और फिर टाइम था डिनर का। और डिनर में हमने ऑर्डर किया था फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा और श्रिम्प स्पेगेटी। आज का ये ब्यूटीफुल डे ख़त्म होता है यमी डिनर के साथ और आज हमने बहुत इन्जॉय किया। हम बहुत टाइम के बाद ऐसे डे ट्रिप के लिए बाहर आए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँगी जिसमें मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू आपको जापान घुमा सकूँ और जापान भी दिखा सकूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर। तो अब मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Do you want to know?